हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हसा एजुकेशन। आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की इन्वायरमेंटल स्टडीज बुक से चैप्टर 16 अ बिजी मंथ। अ बिजी मंथ इस चैप्टर का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि हर लिविंग वर्ल्ड का अपना एक बिजी टाइम पीरियड होता है, और वो टाइम पीरियड क्या होता है, जिस समय पे उनको सबसे ज्यादा वर्कलोड होता है। जैसे कि एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में जो एक्वाटिक एनिमल है या लैंड एनिमल है या बर्ड्स है, इन सबका बिजी मंथ क्या होता है, जिस समय पे ये अपने बेबी को बर्थ देते हैं, ले एग्स करते हैं, अंडे देते हैं। तो इस चैप्टर में बर्ड्स के बारे में बताया गया है डिटेल में कि वो अपने बिजी मंथ में किस तरीके से काम करती हैं। तो इसमें कहा गया है कि बहुत ज्यादा गर्मी का समय है, एकदम हॉट समर डे है, दोपहर का टाइम है बिल्कुल, और स्पैरो, डब्स और जो सन बर्ड्स है, ये अपना अपना जो है नेस्ट बना रही है, और बहुत सारे दूसरी नेस्ट बर्ड ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना नेस्ट पहले से ही बना लिया है। अब ये बर्ड पीछे कैसे रह गई नेस्ट बनाने में, और जो दूसरी वाली बर्ड से उन्होंने पहले कैसे नेस्ट बना लिया, इसका कारण ये है कि जो जिन्होंने पहले नेस्ट बना लिया है वो बर्ड्स हैं जिन्होंने ले एग्स भी पहले कर लिए हैं, और क्योंकि स्पैरो, डब और सनबर्ड्स को अब ले एग करना है, इसलिए वो अपना नेस्ट बना रही है। और नेस्ट क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जब बर्ड्स को ले एग करने होते हैं, अंडे देने होते हैं, तो वो एक सेफ प्लेस बनाती हैं नेस्ट अपना, और उसमें ले एग करती है, और उसके बाद उन्हें हैच करती हैं जब तक कि उस एग में से बेबी बाहर नहीं आ जाता, और फिर उसके बाद उस बेबी को सेफ रखती हैं, उसको फीड कराती हैं। फीड कराने में ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके का फूड मटेरियल होता है जिसको ये बेबी को खिलाती है, जैसे बहुत सारे जो बर्ड्स के बेबी हैं वो इंसेक्ट खाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट उनको बर्ड खिलाती है। तो हर बर्ड का हैचिंग पीरियड जो है वो अलग अलग होता है, 1 वीक से लेके 1 मंथ तक, या 1 मंथ से ऊपर भी हो सकता है। तो बर्ड्स के जो एग हैं उनमें से किसी में से बेबी जो है 1 वीक के अंदर आ जाता है, किसी में से और ज्यादा टाइम लगता है, किसी में 1 मंथ का समय लगता है, तो सबका हैचिंग पीरियड भी अलग अलग होता है। इसीलिए अपने टाइम के अनुसार कि जितने टाइम उसको हैच करने में लगेगा, फिर बेबी बाहर आएगा, फिर उसके बाद वो थोड़ा ग्रो होगा, उड़ना सीखेगा, तब तक उस बेबी को एक सेफ प्लेस पे रखना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हर बर्ड अपना डिफरेंट डिफरेंट नेस्ट बनाती है। यानी कि जितना टाइम पीरियड उसको उस नेस्ट में गुजारना है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना नेस्ट बनाती है, उसी हिसाब से वो उतना मजबूत होता है और उतना ही सेफ प्लेस पे होता है। जैसे कि कुछ बर्ड के नेस्ट कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रॉबिन की। इंडियन रॉबिन का जो नेस्ट होता है वो मेड अप ऑफ ग्रास, ग्रास से बना होता है, यानी बेस में सबसे नीचे उसमें ग्रास लगी होती है, और उसके ऊपर फुल सॉफ्ट विंग्स होते हैं, रूट्स होती है, वूल होती है, हेयर होती है, कॉटन वूल होती है, और इन सबकी एक लेयर बन जाती है, और वो जो उसका नेस्ट है वो इस तरीके से हो जाता है जस्ट लाइक अ बेड, जैसे हमारा सोने का बिस्तर होता है एकदम सॉफ्ट, जिसपे हम आराम से लेट सकते हैं, और बेड पे लेटने के बाद हमें कोई चोट भी नहीं लगती, हमें गिरने का भी डर नहीं रहता। तो इस तरीके से इंडियन रॉबिन अपने बेबीज के लिए ग्रास के ऊपर ये सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज है, रूट्स है, वूल है, हेयर है, कॉटन वूल है, इन सबकी लेयर बना देती है, तो इससे वो एक सॉफ्ट गद्दे के जैसा हो जाता है, और इसके ऊपर फिर वो अपने ले एग करती है, और वो जो एग होते हैं वो इस पे सेफली रहते हैं। तो रॉबिन जो इंडियन रॉबिन है वो इस तरीके का नेस्ट बनाती है। और जो क्रो होता है, क्रो क्या करता है, क्रो बिल्ड, जो क्रो का नेस्ट है वो अपना नेस्ट सबसे हाई उस पे बनाता है, ट्री के सबसे ऊंचाई पे। क्रो बिल्ड इट्स नेस्ट हाई अप ऑन ट्री, ट्री के सबसे ऊंचाई पे बनाता है, और वो किससे बनाता है, क्रो का नेस्ट इज मेड अप ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, उसमें इवन पीस ऑफ वायर और वुड भी होते हैं, यानी कि क्रो जो है जो भी चीज मिलती है उसका इस्तेमाल वो अपने नेस्ट बनाने में करता है। डब जो बर्ड है वो मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न ऑफ अ कैक्टस प्लांट। डब कहां पर बनाती है, जो थॉर्न होते हैं कैक्टस प्लांट के, वहां पर अपना नेस्ट बनाती है। स्पैरो क्या करती है, स्पैरो घर के आसपास कहीं भी, जहां भी उसे सेफ जगह लगती है कि जहां पर कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी का आना जाना नहीं है, इस तरीके की जगहों पर, सेफ जगहों पर घर के आसपास कहीं भी अपना नेस्ट बना लेती है, जैसे टॉप ऑफ द कवर्ड आपकी अलमीरा के ऊपर, या बिहाइंड द मिरर, या ऑन द लेज, कोई खाली अलमीरा पड़ी हुई है, कोई खाली दीवार में कोई प्लेस है, वहां पर वो अपना नेस्ट बना लेती है। पिजन क्या करता है, पिजन जो है अपना नेस्ट जो है इस तरीके की जगह पर बनाता है जो ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग होती है, मींस की मतलब पुराने खाली मकान पड़े हुए हैं जहां पर कोई रहता नहीं है, या पुरानी कोई खाली बिल्डिंग पड़ी हुई है, तो वहां पर पिजन अपना नेस्ट बना लेते हैं। आपने इस तरीके का सीन अक्सर मूवीज में देखा होगा कि खाली पड़ा एकदम खंडर है, और वहां पर जब हीरो जाता है, दरवाजा खोलता है, तो वहां कबूतर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इट मींस कि कबूतर ऐसी जगह पर अपना नेस्ट बनाता है जो जगह किसी के यूज में नहीं आ रही है, जो बंद पड़ी हुई है। इसके अलावा बारबेड बर्ड जो है
बार्बेट, पहले मैं आपको नाम बता दूं किसका नाम बार्बेट क्यों रखा गया है। इसका पूरा नाम कॉपर स्मिथ बार्बेट है, बर्ड का नाम, और इसको हिंदी में बसंत गौरी भी कहा जाता है। बसंत का मतलब होता है कि जब बसंत का मौसम आता है, महीना आता है, आपने जनवरी के महीने में सुना होगा जब बसंत की छुट्टी होती है और येलो कलर के सब उस दिन कपड़े पहनते हैं। बसंत का महीना होता है कि जो पूरा प्लांट किंगडम है उस पर नए नए जो पौधे होते हैं उस पर नए नए फूल आते हैं, अच्छे सुंदर सुंदर फूल आते हैं। और बहुत सारी जगह तो ऐसी भी है इंडिया में जहां पर जनवरी के महीने में जब ये बसंत का महीना होता है उस टाइम पे कुछ फ्लावर ऐसे हैं पर्टिकुलर जो उसी मंथ में ब्लूम होते हैं, तो कई सारे गार्डन ऐसे हैं जो जनवरी के मंथ में खुलते हैं और वहां पे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। इस तरीके का एक एग्जांपल मुगल गार्डन है जो कि दिल्ली में है, वहां पर बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी के आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसका नाम है कॉपर स्मिथ बार्बेट वो इसलिए रखा गया है, बार्बेट का मतलब होता है बसंत, तो ये जो बर्ड है ये कलरफुल होती है, काफी सारे कलर होते हैं, इसलिए इसका नाम कॉपर स्मिथ बार्बेट रखा गया है। और ये क्या करती है, ये जो होते हैं ट्री के ट्रंक में अपनी चोंच मार मार के टुक 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 ऐसे कर करके चोंच मारती रहती है ट्रंक में और उसमें एक होल कर देती है और फिर उस होल में अपना नेस्ट बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट बर्ड है वो है टेलर बर्ड, जैसा कि इसका नाम है टेलर बर्ड। टेलर का क्या काम करता है, कपड़े सिलने का। बच्चों जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, आपकी मम्मी कहती होंगी कि मैं टेलर के पास जा रही हूँ अपना सूट सिलवाने या मेरे को ब्लाउज बनवाना है या कुछ भी अपना स्टिच करवाना है तो मैं टेलर के पास जा रही हूँ। टेलर मतलब जो कपड़े सिलता है। तो टेलर बर्ड इसका नाम इसलिए रखा गया है कि ये क्या करती है, दो लीव्स को लेकर उनको ऐसे सिल देती है जैसे किसी कपड़े को सिला जाता है, स्टिच कर देती है, और टू लीव्स को ऐसे जोड़कर स्टिच कर उसको एक बैग जैसा बना देती है और फिर उस बैग के अंदर वो जो दो पत्तियों को जोड़ के जो बैग बनाया गया है उस बैग के अंदर जो ट्री की लीव्स का बना होता है उस बैग के अंदर ले करती है। तो इसलिए इसका नाम टेलर बर्ड रखा गया है क्योंकि स्टिचिंग का काम करती है, ट्री की जो लीव्स होती हैं बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं उनको स्टिच करके अपना नेस्ट बनाती है। नेक्स्ट बर्ड इज सनबर्ड्स। सनबर्ड्स का नेस्ट जो है वो ब्रांच पर लटका हुआ रहता है, शायद आपने कभी देखा भी हो, कभी आप ऐसे जू में कहीं घूमने गए हो या कभी गांव में खेतों में कहीं गए हो अगर, तो आपने देखा होगा एक नेस्ट आपने लटका हुआ देखा होगा कि ट्री पे लटका रहता है और देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है वो, तो वो सनबर्ड का नेस्ट होता है। तो ये लटका हुआ रहता है ट्री की ब्रांच पर और ये जो है हेयर, ग्रास, थिन ट्विक्स, ट्राई लीव्स, कॉटन वूल, ट्री की जो बार्क होती है, जो छाल होती है वो, और पीस ऑफ क्लॉथ, और मोर ओवर स्पाइडर्स का जो वेब होता है, यानी इतनी सारी चीजों से मिलकर ये बना होता है। लेकिन बहुत स्ट्रेंज है कि इसमें इतनी सारी चीजें लगती हैं बनने के अंदर, लेकिन ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और कई बार जब बर्ड्स इसमें से ले करके हैच करके जब उसके बेबी इसमें से उड़ जाते हैं और नेस्ट खाली हो जाता है तो बहुत से लोग इसको एज अ डेकोरेशन पीस भी अपने घर में रखते हैं क्योंकि ये देखने में इतना सुंदर होता है। तो जब ले का टाइम आता है, यानी कि पर्टिकुलर टाइम, हर बर्ड का अपना पर्टिकुलर टाइम है ले करने का, तो जब बर्ड्स का ले करने का टाइम आता है तो सारी बर्ड्स जो है अपना अपना नेस्ट बनाने में बिजी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को एनिमीज से बचाना है। एनिमीज मतलब जो दुश्मन है उनके बच्चों के, जो उनके अंडों को तोड़ देंगे, खा जाएंगे, तो उनसे बचाना है। इसलिए जो बर्ड्स हैं बहुत ही सोच समझकर सेफ प्लेस पर नेस्ट बनाती हैं और अपने जो नेस्ट है उसका पूरा ध्यान रखती है, बहुत टेक केयर करती है। बावजूद इसके क्रो, स्क्वायरल, कैट्स है, रैट है और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं वो बर्ड के नेस्ट और उसके बेबीज को हार्म करते रहते हैं, यानी कि वो मौका देखते रहते हैं कि कब चिड़िया नेस्ट में से उड़ के जाए और हम जाएं और उसके अंडे को तोड़ दें या उसके अंडों को खा जाएं। कई बार आपने कहानी में भी ऐसे सुना होगा कि चिड़िया जो है चिड़िया के अंडों को रोज एक बिल्ली आती थी और देखती थी और वो ये भी ध्यान देती थी कि कब चिड़िया उड़ के जाए और मैं इसके जो बर्ड है इसके जो एग है इनको खा जाऊं। ऐसी कहानियां भी आपने कई बार सुनी होंगी। तो इट मींस क्या है कि जो बर्ड्स होती है इनके एग जो होते हैं इनको खाने वाले बहुत सारे जानवर होते हैं और वो हमेशा इस उसमें रहते हैं कि कब चिड़िया अपने घोंसले को छोड़ के जाए, अपने नेस्ट को छोड़ के उड़े, बच्चों के लिए फीडिंग के लिए दाना लेने जाए और हम इसके एग को खा जाए। तो इसलिए चिड़िया बहुत ही सोच समझकर बहुत ही सेफ प्लेस पर अपना नेस्ट बनाती है और यह टाइम जब ले एग कर उन्हें हैच करने का और बेबी को फीड कर ग्रो करने का टाइम जो होता है एक चिड़िया के जीवन में एक तरीके का एग्जाम के जैसा होता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम ही रखा गया बिजी मंथ, क्योंकि जब चिड़िया नेस्ट बनाना शुरू करती है अपने बच्चों के लिए और उसके बाद ले एग करती है और
एग जो होते हैं उनको हैच करती है, उसमें से बेबी बाहर आते हैं और फिर उन बेबी की टेक केयर करनी होती है, उनको फीडिंग कराना होता है, उनको खाना खिलाना होता है जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाते हैं। तो ये जो पूरा समय है ये एक तरीके से एक बर्ड के लिए बहुत ही एक एग्जाम का पीरियड है। जैसे कि आपके साथ में होता है कि जब आपके एग्जाम होते हैं फरवरी में, मार्च में, जिस भी मंथ में आपके एग्जाम होते हैं, तो वो आपका मंथ कैसा होता है, बहुत ज्यादा बिजी होता है। तो उस समय पे ना आप बाहर जा सकते हो घूमने के लिए, ना बहुत ज्यादा मूवी देखना आपको अलाउ होता है। टीवी भी लिमिटेड टाइम के लिए आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं कि भाई जितनी देर खाना खाओगे हाफ एन आवर उतनी देर टीवी देखना है। बाहर भी बहुत ज्यादा खेलना अलाउ नहीं होता है और इसके अलावा पढ़ने का बहुत ज्यादा बर्डन होता है, यानी कि हमें फुल अटेंशन सिर्फ अपनी पढ़ाई पर रखनी है। जो चीजें हमने याद कर ली है उनको और ज्यादा मेमोराइज करना है और रिवाइज करना है, जो चीज याद हो गई है उसको लिख के देखना है, यानी फुल कंसंट्रेशन किस पर होता है, सिर्फ पढ़ाई पर। इसके बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए एंटरटेन करने के लिए आपको बाहर खेलने के लिए या टीवी देखना अलाउ होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप क्या करते हो, सिर्फ पढ़ाई। तो ये जो मंथ होता है आपका, जैसे आपका मंथ होता है आपके एग्जाम देने का टाइम होता है इसलिए आप बिजी रहते हो, ठीक इसी तरीके से बर्ड की भी लाइफ में ये जो बेबी ले एग करने का टाइम है और बेबी को ग्रो करने का जो टाइम पीरियड होता है ये सबसे ज्यादा बिजी मंथ होता है। इस समय पे जो बर्ड होती है, जो चिड़िया होती है, उसका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ अपने एग्स पर होता है। वो अगर नेस्ट से कहीं उड़कर भी जाती है तो वो ज्यादा दूर नहीं जाती और वो बार बार लौट लौट के अपने नेस्ट को चेक करती रहती है कि मेरे अंडे, मेरे जो एग्स हैं वो सेफ हैं कि नहीं है, इसलिए वो बहुत ज्यादा दूर नहीं उड़ के जाती है और पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ उसके एग पर होता है। अगर एग हैच हो चुके हैं तो बेबीज पर होता है कि बेबीज को कोई खा ना जाए। तो जिस तरीके से आपका पूरा कंसंट्रेशन कहाँ होता है, सिर्फ पढ़ाई पर होता है, बीच बीच में आप थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट करने के लिए खेलने या टीवी देख लेते हो, इसी तरीके से चिड़िया बीच बीच में थोड़ी देर के लिए अपने नेस्ट को छोड़ के बाहर उड़ जाती है और बच्चों के लिए फीडिंग के लिए दाना या कोई इंसेक्ट लेकर आती है। तो इस सब बातों में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि चाहे बर्ड की लाइफ में कितना भी इम्पोर्टेंट पीरियड होता है, कितना भी उसको काम होता है, वो बिजी होती है बहुत ज्यादा अपने बच्चों की टेक केयर करने में, बावजूद उसके चिड़िया हमेशा क्या है, चिरपिंग करती रहती है। आपको कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको ऐसा लगा होगा कि चिड़िया की जो चिरपिंग है वो बंद हो गई है, कि अगर आपके घर के आसपास किसी पेड़ पर चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है, आपको कभी ऐसा मौका मिले तो आप देखना कि चिड़िया की चिरपिंग कभी बंद नहीं होती, चाहे वो कितनी भी बिजी है, उसके ऊपर कितना वर्क लोड है, उसको इस बात की भी टेंशन है कि कोई एनिमी, कोई दुश्मन जानवर मेरे बच्चे को खा ना जाए, मुझे बच्चों को फीडिंग भी कराना है, बावजूद इसके वो हमेशा खुश रहती है और चिरपिंग करती रहती है। तो ये एक अच्छी चीज है जो हमें चिड़िया से सीखनी चाहिए, वो क्या है कि हमारे ऊपर एग्जाम का प्रेशर हो बच्चों, चाहे किसी भी चीज का प्रेशर हो, तो हमेशा हमें अपने काम पर भी कंसंट्रेट करना चाहिए, साथ के साथ हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और इंजॉय करते रहना चाहिए। तो ये जो चैप्टर में अभी तक हमने क्या देखा कि जो डिफरेंट डिफरेंट बर्ड होती हैं वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट नेस्ट बनाती हैं। आगे के चैप्टर को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।